हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामा के ऊपर। और कोरियन ड्रामा दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पॉप कल्चर का बहुत ही अच्छा डेमोंस्ट्रेशन होता है, म्यूज़िक बहुत बढ़िया होता है और ह्यूमन ग्रीड और लव को इतने क्रूड फॉर्मेट में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल रिलेटेबल हो जाता है। जो चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी हेल बाउंड या स्क्विड गेम के अंदर, या फिर कुछ मूवीज़ जैसे पैरासाइट और ट्रेन टू बुसान के अंदर भी। तो दोस्तों यूजली देखा गया है कि कोरियन ड्रामा थोड़े से लंबे होते हैं देखने के अंदर, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे अपकमिंग कोरियन ड्रामास बता रहा हूँ जो कि दिसंबर और जनवरी के अंदर रिलीज़ होंगे, जो बहुत ही बेहतरीन होंगे और कुछ इस तरीके के होंगे कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि स्क्विड गेम या हेल बाउंड अच्छी थी कि ये पर्टिकुलर सीरीज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो अच्छी थी। तो पहले नंबर पे ऑल ऑफ अस आर डेड, इसका सीजन 1 आने वाला है और इसके 8 एपिसोड होंगे और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश के अंदर भी रिलीज़ होगा। और अगर जिन भी लोगों ने किंगडम को मिस किया है, और किंगडम बहुत ही पॉपुलर कोरियन ड्रामा था जिसके अंदर जॉम्बीज को एक पीरियड फॉर्मेट में दिखा के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया था, यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा और यहाँ पर आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखोगे जो ट्रैप हो जाएंगे एक स्कूल के अंदर और एक जॉम्बी आउटब्रेक हो जाएगा। और जब जॉम्बी वायरस आउटब्रेक होगा तो क्या ये बच्चे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, ये आपको देखना होगा। इसकी 2 मेजर जो स्टार कास्ट हैं उसके अंदर यूंग चांग यंग और पार्क जी वू आपको दिखेंगे। सेकेंड नंबर पे जो एक इंटरेस्टिंग सीरीज आ रही है वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रही है, ये क्राइम ड्रामा है जुवेनाइल जस्टिस। इसका सीजन 1 आपको नेटफ्लिक्स पे मिड ऑफ जैन को देखने को मिल जाएगा। इसकी कास्ट में किम हे सू, किम म्यूयोन और ली संग मिन देखेंगे। जुवेनाइल जस्टिस का सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसका ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा दमदार है, क्योंकि इस ड्रामा के अंदर आप देखेंगे कि ऐसे जज की कहानी जो कि जुवेनाइल्स को डिसलाइक तो करता है बट डिसलाइक करते करते उसे ही जुवेनाइल कोर्ट का जज बना दिया जाता है। और बैकग्राउंड में हमें ये पता चलता है कि शी वॉज अ विक्टिम ऑफ जुवेनाइल क्राइम इन हर यूथ, तो क्या वो इन जुवेनाइल्स को फॉरगिव कर पाएगी, कि क्या वो कुछ लर्निंग ले लेगी, क्या जुवेनाइल्स के हक के लिए लड़ेगी ताकि कोई भी क्रिमिनल ना बन पाए, ये हम देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस सीजन 1 के अंदर जो कि मिड ऑफ जनवरी में नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे है आर बिलवड समर, और इसका मैं आपके साथ ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा रिव्यू शेयर कर चुका हूँ हिंदी के अंदर। इसके 16 एपिसोड हैं इस रोम कॉम के अंदर, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसकी रेटिंग जो है वो स्क्विड गेम से भी ज़्यादा जा रही है। इसका फिनाले आ रहा है 25 जनवरी 2022 को। इसके अंदर चोय वू शिक और किम दामी आपको मेन लीड में दिख जाएंगे, जो कि वोंग और योंग सू की कहानी है और ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं जब ये स्कूल के अंदर होते हैं, बट लेकिन डेस्टिनी इनको एक बार दोबारा लेके आता है जब इनकी बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जो इन्होंने स्कूल के अंदर बनाई थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो अब जब डेस्टिनी वोंग और योंगसू को एक साथ लेके आ गई है तो क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यही हम देखेंगे आर बिलवड समर के 16th एपिसोड में जो कि 25 जनवरी को नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा। 4th नंबर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसका मैं प्रीव्यू आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, इसका नाम है बुलगासल इमॉर्टल सोल्स। इसके 16 एपिसोड हैं और ये फैंटेसी थ्रिलर है। जिन लोगों ने इसका ट्रेलर नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं और इसका फिनाले आएगा 6 फरवरी 2022 को। डैन हल और मीन सांग वू की कहानी है, जो कि 600 साल से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए इमॉर्टल्स की दुनिया में, जहां पर डैन हल एक सोल्जर हुआ करता था लेकिन अब वो एक इमॉर्टल है और 600 साल से वो मर नहीं पाया है और वो एक रिवेंज की तलाश के अंदर है। उधर दूसरी साइड पे एक औरत है जिसका नाम है मीन सांग वू, और वो 600 साल से बार बार जन्म लेती जा रही है और उसका कर्ज ये है कि वो कुछ भी नहीं भूलती है 600 साल की पुरानी जीवन की गाथाएँ। तो ये दोनों की कहानी किस तरीके से एक फैंटेसी थ्रिलर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जहां पर डैन हल को ये फाइंड आउट करना है कि वो इमॉर्टल से मॉडल कैसे बनेगा और इस चक्रव्यूह से बाहर जाएगा, और मिन सांग वू का क्या रोल है, वो बार बार जन्म क्यों ले रही है इन 600 साल से, इसको आप डिस्कवर करेंगे। 5वें नंबर पे एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है द साइलेंट सी, इसका सीज़न 1 आ रहा है और ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर है जो कि आपको 24 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। द साइलेंट सी का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी स्टार कास्ट।
गोंग यू जो आपने ट्रेन ऑफ बुसान में देखे थे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, बे दोना जो कि किंगडम में आपको दिखे थे, और ली मोन ये जो आपको डेजिग्नेटेड सर्वाइवर में दिखे थे वो यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। तो काफ़ी दमदार ये सीरीज होने वाली है क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और खिलाड़ी हैं जो कि इमोशंस दिखा के आपके एक बारी तो आंसू निकाल ही देंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ 5 डिफरेंशिएटेड कोरियन सीरीज जो कि जल्दी ही आने वाली हैं, अपने प्लेलिस्ट में इसको डाल लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। फिर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय बाय।